हेलो एवरीवन। सो जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इस वीडियो पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन। एक प्रीवियस जो आप लोगों की वीडियो थी उस पर भी मैंने एक डिस्कस किया था एप्लीकेशन गॉस थ्योरम की, और वो एप्लीकेशन थी इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर थी, जिसकी वजह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पता की थी। इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नेक्स्ट टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का ही नेक्स्ट पार्ट, और नेक्स्ट पार्ट में भी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड ही कैलकुलेट करेंगे, लेकिन किसकी वजह से? ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। और हम लोगों के पास इस बार शीट है। लास्ट जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था एक वायर, तो इस बार है आप लोगों की इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो सपोज कीजिए ये है मेरे पास कोई शीट, और ये शीट है इनफाइनाइट प्लेन। अभी इस पर आप लोगों के लिए जो मेन कुछ बेसिक सी बात आ रही है वो है कि व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस पर भी डिस्कस किया था। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। बेसिकली देखिए सिग्मा से डिनोट किया जाता है, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये इक्वल होता है चार्ज अपॉन एरिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखिए। तो सपोज कीजिए कि ये जो इनफाइनाइटली लॉन्ग मेरे पास प्लेन शीट है, इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग नोट कीजिएगा। सेकंड बात आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो मैंने एक पॉइंट लिया, सपोज कीजिए ये है वो पॉइंट जिस पॉइंट पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो नेक्स्ट स्टेप होगा कि इस पॉइंट को इन्वॉल्व करके हम लोगों को गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। तो हम लोग देखिए गॉसियन सरफेस किस तरह से बनेगा। एज दिस शीट इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, बोर्ड पर आपको इतनी दिख रही है लेकिन ये है इनफाइनाइटली लॉन्ग। तो इस पॉइंट को इन्वॉल्व करके मैं बनाऊंगा एक गॉसियन सरफेस, और वो गॉसियन सरफेस होगा कुछ इस तरह से। और सेम वे से इस साइड भी, जितना ये सपोज कीजिए अगर ये इधर से आर डिस्टेंस पर है, इस शीट से आर डिस्टेंस पर प्लेस्ड है पॉइंट जिस पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, और इस पॉइंट का नाम आपने पी रख लीजिए। तो सेम वे से इसी तरह से गॉसियन सरफेस इस शीट के बैक साइड भी जाएगा इस तरह आर डिस्टेंस तक, और उस पर इस तरह से इसकी एक कैप इस साइड भी बनेगी इस तरह से, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे कि ये फिर से जो गॉसियन सरफेस हम लोगों का बना है वो है सिलेंडर। आप लोगों को हो सकता है इस तरफ थोड़ी सी विड्थ इसकी ज्यादा लग रही हो, इस तरफ कम, तो इसकी विड्थ हम लोग बराबर कर देते हैं इस तरह से और इस तरह से और इस तरह। देन ये है पॉइंट पी जिस पर हम लोगों को कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। राइट, तो उसके लिए क्या करना होगा? तो इसके लिए हम लोगों को गॉस थ्योरम का यूज करेंगे। गॉस थ्योरम क्या बोलती है? अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम बोलती है दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स को हम लोग लिखते हैं E dot ds, और उसका क्लोज इंटीग्रल मतलब इस गॉसियन सरफेस की इंटीग्रेशन। इस गॉसियन सरफेस के लिए E dot ds की जो वैल्यू होगी वो होगी चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस, और इसके अंदर कौन सा चार्ज आएगा? इसके अंदर वो चार्ज आएगा जो इस सिलेंडर के अंदर आएगा। मींस ये शीट सिर्फ इस हिस्से की शीट, बाकी सारी शीट में सिर्फ इस पॉइंट की शीट। चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बात आती है आप लोगों की सरफेस चार्ज डेंसिटी की, जो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है Q ओवर S।
व्हाट इज एस? एस इज दिस एरिया, ये ठीक है, इस पॉइंट का एरिया, और उसी के इक्वल होगा ये इस पॉइंट का एरिया, और उसी के इक्वल होगा ये एरिया। सिलेंडर है तो ये है उसका टॉप बॉटम, या टॉप बॉटम जो आपको मानना है, और ये है कर्व सरफेस एरिया जो मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। इस तरह से सिलेंडर है, ये एक रीजन है, ये सेकंड रीजन, और एक ये रीजन। तो एस क्या है? एस है इस रीजन का सरफेस एरिया, तो उतना ही एरिया इसका भी होगा इस पॉइंट का एस, और इतना ही एरिया इसका भी होगा एस। बात आप लोग ये याद रखिए। तो अगर ई डॉट डी एस की वैल्यू आ रही है क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, इधर से आप लोग क्यू की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा एस, और पुट दैट वैल्यू हियर, इट विल बिकम सिग्मा एस ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ई डॉट डी एस कितना आ गया? ई डॉट डी एस आ गया सिग्मा एस ओवर एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वेशन वन। फिर से वही केस, फर्स्ट जो आर्टिकल किया था उसी की तरह से करेंगे, E डॉट डी एस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो E डॉट डी एस क्लोज इंटीग्रल का मतलब था पूरा आप लोगों का गॉसियन सरफेस जो है सिलेंडर, और इसी को मैं ब्रेक करके लिखूंगा E डॉट डी एस। इस सरफेस को हम लोग तीन रीजन में डिवाइड कर देंगे। सपोज कीजिए ये है फर्स्ट रीजन, ये है सेकेंड रीजन, सेकेंड रीजन इसका कर्व सर्फेस एरिया, और ये है आप लोगों का थर्ड रीजन जो इस साइड का एंड है। तो इसको कर लेते हैं ई डॉट डी एस वन, ई डॉट डी एस सेकेंड जो आएगा आप लोगों का कर्व सरफेस एरिया, और ई डॉट डी एस थर्ड रीजन, और थर्ड रीजन है आप लोगों का ये पॉइंट। अब फिर से डॉट प्रोडक्ट हटाएं, तो अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट हटाऊं तो ई डी एस कॉस ऑफ, एंगल देखेंगे ई और डी एस के बीच में, तो ये है फर्स्ट रीजन। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ये शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी वो इस डायरेक्शन में जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी किसी साइड। और मैं बात करूं एरिया वेक्टर की, तो फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो इसके हमेशा वो परपेंडिकुलर होगा। ये गॉसियन सरफेस आपका इस तरह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी इसी साइड आएगी, और जो आपका ds है एरिया वेक्टर वो भी इसी तरफ आएगा। अगर थोड़ा सा आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंड करना होगा, तो शीट है आप लोगों की, सोच लीजिए ये है शीट, तो ये है शीट इस तरह से, ये इस तरह से, और ये सेम सिलेंडर इसी तरह का सेम सिलेंडर इस साइड भी आएगा। तो ये है शीट, और मैं बात कर रहा हूं इस रीजन की, इस रीजन की, इस रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस तरफ, तो ई भी इस तरफ, इस पॉइंट के लिए इस तरफ, और एरिया वेक्टर इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, तो वो इस तरफ आएगा। सेकंड रीजन जब ये आएगा आप लोगों का, तो उस पर डिस्कस करते हैं जब आएगा। तो डी एस आप लोगों का इस तरफ, तो एंगल क्या हुआ ई और डी एस कॉस ऑफ जीरो डिग्री, प्लस थर्ड आप लोग देखिए थर्ड केस में क्या है, ये थर्ड थर्ड सेम केस ई डी एस, और बैक साइड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, और डी एस एरिया वेक्टर भी इसी तरफ, तो एंगल होगा कॉस ऑफ जीरो डिग्री। और रीजन टू देखिए, रीजन टू में क्या होगा ई डी एस एंड कॉस ऑफ, एंगल देखेंगे तो ये आगे आपका, फिर से ये है आप लोगों की शीट, और ये मैंने बनाया गॉसियन सरफेस, और ये बनाया मैंने गॉसियन सरफेस, और रीजन टू है ये रीजन, सेम इस साइड भी होगा, इस तरफ भी होगा, ये है रीजन टू। तो इस पर अगर मैं एरिया वेक्टर बोलूं, अगर मैं सपोज कीजिए एरिया वेक्टर बोलूं, तो एरिया वेक्टर क्या होगा इस कर्व सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर जो जाएगा इस डायरेक्शन, जाएगा इस डायरेक्शन में। और इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करूं, तो वो होगी ये जो शीट है जो जिसको मैं पेपर को शीट माना है हमने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस तरफ, इस तरफ, और जो डी एस है वो होगा इस तरफ, तो विच मीन्स 90 डिग्री।
तो इधर बना लेते हैं हम लोग, ये आ गया आपका डीएस, और ये इस तरफ अगर बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस साइड, और इस शीट की अगर इस तरफ बात करूँ तो डीएस इस तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ शीट के, तो विच इज 90 डिग्री, 90 डिग्री, ओके 90 डिग्री, सो कॉस ऑफ 90 डिग्री। बेसिक सबको पता होगा कि कॉस 90 जो होता है वो हुआ जीरो, तो उस करके ये सारा वैल्यू बन जाएगी जीरो, कॉस जीरो कॉस जीरो वन, तो बचेगा सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए अच्छे से, ई डॉट डी एस क्लोज इंटीग्रल किसके इक्वल, ई डी एस रीजन वन प्लस ई डी एस रीजन थर्ड, और डी एस की वैल्यू ये बन गया ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस फर्स्ट रीजन प्लस E इंटीग्रेशन ऑफ डी एस सेकेंड रीजन। अब बात आती है कि डी एस क्या है, देखिए डी एस की वैल्यू अगर मैं बोलूं तो डी एस था रीजन वन के लिए ये छोटा सा पार्ट, और इंटीग्रेट अगर कर दिया तो ये फुल इस रीजन की मैं बात कर रहा हूं जिसको मैं शेड कर रहा हूं, तो इसका एरिया कितना होगा इस शीट के एरिया के इक्वल, और शीट का एरिया होने वाला था एस, तो इस करके इस पूरे का एरिया भी होगा S, तो ये बन गया ई एस प्लस सेम लॉजिक रीजन टू पर डी एस छोटा सा पार्ट और इंटीग्रेशन ऑफ डी एस हो गया कंप्लीट पार्ट, ये कंप्लीट पार्ट, तो वो बन गया एस, तो ये बन गया दैट इज टू ई एस। अब आप लोगों को ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस की वैल्यू मिल चुकी है टू ई एस के इक्वल, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन वन, put value of E dot ds in equation 1. So, E dot ds की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ E dot ds इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 ये है और E dot ds की वैल्यू है 2es, उसको इधर पुट करेंगे इस जगह पे, तो बन गया 2ES is equal to sigma S over epsilon naught, देखिए S से S cancel out, और electric field की value आ गई sigma over 2 epsilon naught। काफी important result है, आप लोग याद रखिएगा कि किसी infinite long sheet की वजह से किसी point पर electric field की value होती है sigma over 2 epsilon naught, where sigma is the surface charge density of that sheet.